हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम मोहित गुप्ता है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल MG टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं DTP के बारे में। DTP यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो ये DTP में आपका क्या कोर्स है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो DTP में सबसे पहला आपका जो कोर्स होता है वो आता है कोरल ड्रॉ। में हम मतलब कि शादी कार्ड वगैरह हो गए, विजिटिंग कार्ड हो गया, पंपलेट, बैनर आदि सभी कार्य इसमें किए जाते हैं। और दूसरा सॉफ्टवेयर हो गया आपका फोटोशॉप एडोब रीडर। तो फोटोशॉप एडोब रीडर तो आप नाम से ही जान चुके हैं क्या होता है। तो फोटोशॉप एडोब रीडर में आप फोटो को बना सकते हैं, गुड क्वालिटी अच्छी तरह से आप फ़ोटो की एडिटिंग कर सकते हैं फोटोशॉप में। और तीसरा जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है एडोब रीडर में आप जैसे कि आपको लेटर वगैरह टाइप करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही आसानी से आप लेटर टाइप कर सकते हैं। तो ये तीनों मिला के सॉफ्टवेयर जो DTP का काम करता है। तो आज मैं शुरुआत करने वाला हूँ आपको कोरल ड्रॉ X3 से, जिसका थोड़ा लाइट वर्जन है। अभी तो इस टाइम कोरल ड्रॉ X8 चल रहा है, 7 चल रहा है। मैं आपको स्टार्टिंग कोरल ड्रॉ X3 से शुरू करता हूँ। तो आइए हम लोग अपने कोरल ड्रॉ पे चलते हैं। तो हम अपने स्टार्ट मेन्यू पे चले आएँ। यहाँ से अब मैंने इसको नीचे ठीक किया, बाकी ऐप्स आ गई हैं। आगे मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए मेरा आ गया है कोरल ड्रॉ X3। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा कोरल ड्रॉ का कुछ इस तरह से ओपन हो रहा है। तो ये आपका ओपन हो चुका है कोरल ड्रॉ। ठीक, सबसे पहले आपका टाइटल बार आ रहा है, उसके नीचे आपका मेन्यू बार है, बाकी आपके जो मेन्यू बार के अंदर जो ऑप्शंस हैं आपके पेपर बार हो गए हैं, ये आपके साइड में टूल्स बॉक्स हैं अभी, लेकिन ये टूल्स बॉक्स हाइड हैं, ये अभी आपको शो नहीं करेंगे क्योंकि ये शो नहीं लगाएंगे कि आपके पास में पेज ओपन कोई ओपन है नहीं। आपके जब कोई डॉक्यूमेंट्स ओपन होंगे तब ये हाईलाइट होंगे। ठीक, यहाँ पे साइड में आपको कलर मिल रहा है, नीचे आपको स्टेटस बार मिल रहा है और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से विंडो ओपन होकर दिखाई रही है। यहाँ पर आपको 3 से 6 ऑप्शन दिए गए हैं, न्यू, रिसेंट जॉब फाइल ओपन करते हैं वो रिसेंट यहाँ से ओपन कर सकते हैं, एंड ओपन का आइकन है। इसके बाद आपको कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं कोरल ड्रॉ X3 के माध्यम से, जिससे कि आपको कुछ टेम्पलेट ऐसे मिलेंगे जैसे कि ग्रीटिंग कार्ड वगैरह हो गए, उस तरह का वो टेम्पलेट मिल सकते हैं कोरल ड्रॉ यहाँ से। आप देख सकते हैं कुछ हेल्प चाहिए होगी उसका, अगर मैं थोड़ा वो पढ़ना हो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। तो मैं सिंपल सा न्यू पेज ओपन करूँगा। न्यू पेज पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये मेरा नया फाइल ओपन हो गया है। तो ये है पूरा व्यू आपका पेज का। तो आपका ये अब देखिए यहाँ पे आपके टूल्स सारे हाईलाइट हो गए हैं। ठीक, ये आपका कलर बार हो गया है और उसमें बाकी और से कलर होते हैं। वैसे यहाँ जो स्टार्टिंग जो कलर होता है, जो विंडो ओपन होती है, उसमें CMYK के कलर आता है। CMYK यानी साइन, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, ये 4 कलर आपके होते हैं जो आपके कोरल ड्रॉ में काम आते हैं। ओके, बाकी ये आपके टूल्स हैं, धीरे धीरे आपको सब बताते रहेंगे। और ये है आपका जो ये आपका एरिया दिख रहा है, ये आपका पेज है, ये आपका पेज। ठीक, पेज यहाँ पर आपका लेटर साइज लगा हुआ है। अब यहाँ से A4 लीगल आप जिस जो चाहें आप वो यहाँ पे साइज लगा सकते हैं। और अगर आपको कोई अपना पेज बनाना है तो आप यहाँ से कस्टम से आप यहाँ पे अपने वैल्यू डाल के आप साइज दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप पेज यहाँ पे क्लिक करेंगे, लैंडस्केप, उसी बगल में पोर्ट्रेट है, यहाँ से आप लैंडस्केप कर सकते हैं पेज को अपने। और धीरे धीरे आपको बताते हैं उसमें बाकी। ऊपर फाइल मेन्यू बार में दिया हुआ है फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, अरेंज, इफेक्ट एंड बिटमैप, टेक्स्ट, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये सारे टूल्स सब आपको बताएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम।
इसमें आपको बेसिक बस जानकारी बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और इसमें आप जैसे कुछ भी बना सकते हैं, पम्पलेट, लोगो या मैरिट शादी कार्ड हो गया, विजिटिंग कार्ड हो गया है, कुछ भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैंने सिर्फ स्कूल ड्रामा के बारे में बताने के लिए इस वीडियो को बनाया था। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्योंकि स्कूल ड्रामा में काम कैसे करते हैं। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें। नेक्स्ट वीडियो हम कुछ दिन में ही बनाने वाले हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बाकी लोगों को भी शेयर करें। धन्यवाद।